हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आपको मेरी जो वीडियोस है डेली वीडियोस उम्मीद आपको अच्छी लग रही होंगी। तो आज मैं सबसे पहले आपको ये कहने वाला हूँ कि प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें और नीचे अच्छे से कमेंट किया करें ताकि मेरी वीडियोज़ में एंगेजमेंट बढ़े और ये यूट्यूब दूसरे लोगों को सजेस्ट करे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी मोटिवेशन के लिए आपको तो सिर्फ एक बटन क्लिक करना पड़ेगा, तो सिर्फ मेरी मोटिवेशन के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। आज मैं आपको एक वीडियो दिखाने लगा हूँ, तो मेरे एक जो छोटे से भाई फैन है जिन्हें कह लोगे मेरी वीडियोस देखते हैं, तो उन्होंने एक वीडियो मेरे लिए सेंड की है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वीडियो देख के, तो मुझे बड़ी खुशी भी हुई। तो ये भी एक उभरता हुआ यूट्यूबर नजर आ रहा है मुझे। तो अभी आप मेरे ये वीडियो देखे, तो फिर बताइएगा कैसी वीडियो बनाई है इस बच्चे ने। तो अभी आप ये वीडियो देखे। अस्सलाम वालेकुम, आज आप ठीक ठाक होंगे? मैं आज आपको ना अपनी साइकिल की वीडियो की सी रखी। आज मैंने साइकिल धोई थी, जो मैंने आपको पहले रखाई थी वो मैंने साफ की थी। ये अब मैंने टायर साफ किए हैं, ये भी मैंने ऐसे साइकिल साफ की है। ये मैंने शीशा साफ किया है, ये मैंने पहियों से साफ कर लिया है। ये देखिए, ये अगला भी टायर मैंने साफ किया है, ये पहियों से भी मैंने साफ किया है, ये भी मैंने साफ किया है, ये भी मैंने साफ किया, ये भी मैंने साफ किया, ये पिछला टायर भी मैंने साफ किया, ये अगला टायर भी मैंने यहाँ से साफ किया। जी तो कैसी लगी जी आपको वीडियो? तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी थी। तो हमजा ये बच्चे का नाम, तो काफ़ी डिटेल से इसे वीडियो बनाई है कि मैं साइकिल अपनी साइकिल जो है वो मैंने साफ़ किया, मैंने ये भी साफ़ कर दिया, मैंने शीशा भी साफ़ कर दिया, मैंने टायर भी साफ़ कर दिया, मैंने अगला टायर भी साफ़ कर दिया, तो मैंने इससे ये साइड भी साफ़ कर दी, मैंने ये सब बड़ी डिटेल से वीडियो बनाई है। तो हमजा आप इंशाल्लाह आप भी यूट्यूबर हो, तो आप बस आपकी पास वीडियो डालनी रहेगी यूट्यूब पे। तो आपने अच्छी वीडियो बनाई है। आज मैं निकला हुआ जी समुद्री की दूसरी साइड की जाना, तो ये जा रहा है जैना रोड। तो काफ़ी दिन हो गए थे, तकरीबन दो तीन दिन हो गए थे मैंने बाइक चलाई नहीं थी, तो मैंने कहा चलो जी आज बाइक चला लें। तो आज स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो रिमोट के साथ स्टार्ट किया मैंने। तो मैंने कहा हर दफ़ा मैं आपको दूसरी तरफ का विज़िट करवाता हूँ, तो आज इस तरफ का भी विज़िट करवाऊँ। तो यहाँ पे जी समुद्री का स्टेडियम है, ये तो ये कबड्डी स्टेडियम भी है और ये क्रिकेट का स्टेडियम जैसे भी ये बनाया हुआ इन्होंने, तो यहाँ पे स्टेडियम बनाया है समुद्री का। तो अभी पता नहीं मैचेस वगैरह होते हैं यहाँ पे कि नहीं होते। तो अगर आपने मेरी वीडियोस पिछली वीडियोस आप देख रहे हैं, तो जिस गांव में मैं दिखाने आया था लाइटिंग, तो ये वो वाला गांव है जहां पे बहुत ज़्यादा लाइटिंग हुई थी 12 रबी अव्वल वाले दिन। तो ये गांव वो है, तो यहां पे हम आए थे शूटिंग करने के लिए, सारा हमने शूट किया था। अभी स्कूल के बच्चों का टाइम है और मैं शहर से बाहर आ गया, मेरे ख्याल से अंदर जाना चाहिए ताकि बच्चों का रिएक्शन जो है वो कैच हो सके। कभी मैं ऐसे किया नहीं, वैसे इंशाल्लाह मेरे जहन में है, मैं इंशाल्लाह ऐसी वीडियो बनाऊंगा कि स्कूल टाइम निकलूं ताकि बच्चों के रिएक्शन जो है वो मैं कैच कर सकूं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं समुद्री के जो गेट बन रहा है वहां पे। तो ये बन रहा है जी समुद्री का एंट्रेंस गेट दूसरी साइड से। तो ये तकरीबन काफ़ी बन चुका है काफ़ी ज़्यादा, तो हमारा दूसरी साइड वाला अभी हुआ नहीं है, तो ये बन चुका है। तो ये बाईपास है जो कि मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया है कि जो बाईपास से क्रॉस करता था वो वाला बाईपास था।
मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल आए हैं, तो यहाँ से वापसी कर लेते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हम आगे निकल आए हैं, काफ़ी ज़्यादा सिटी समुद्री से, तो अभी यहाँ से वापसी कर लेते हैं। बाकी बातें की बातें हैं, जो भी है माशाल्लाह ये बाइक जो है मेरी नरेंजी, तो मज़ा आ जाता है जब भी मैं इसे निकालता हूँ, काफ़ी मज़ा आता है इसे चलाने का। तो ये देखें जी, अब भेड़ बकरियाँ लेके जा रहे हैं, तो माशाल्लाह काफ़ी मज़ा आता है इसे चलाने का। तो ये देखो भाई, क्या कहाँ से कहाँ नहीं जा रहा भाई, रॉन्ग साइड पर जा रहा है। आवाम जो है पता नहीं ऐसे ही निकलाती है सामने, ना कुछ देखती है ना कुछ, और रॉन्ग साइड पर आ जाती है। तो मैं इस मामले में, क्योंकि मतलब मैंने एक वीडियो देख रहा था, एक यूट्यूबर नहीं है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर थे, तो उन्होंने एक वीडियो बनाई है जहल अवाम के नाम से। तो वो वीडियो ऐसे है कि हर बंदा जो है वो कह रहा है कि ये देखो जी इसने गलती की है जहल अवाम जैसे मैंने कहा, तो वो खुद भी एक जालियत कर रहा था। फिर उसको दूसरा देखता है वो कहता है जहल अवाम उसे कह के, तो वो खुद भी एक जालियत, मतलब कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर उन्होंने दिखाया ये कि हर बंदा ही जहल है। तो क्या क्या बंदा करे कि एक बंदा दूसरे की गलती देके कहता है ये जहल अवाम है, और खुद भी कोई ऐसी बात कर रहा था कि जो जहल अवाम जैसी हो। तो क्या कह सकते हैं, यहाँ पे चलता ही ऐसे है। तो अभी मैं अगर कह दूँ कि जहल अवाम है कैसे बाहर आ जाती है, ऐसे आ जाती है, तो उसमें मैं भी ये कहूँ कि इतना लाउड एग्जॉस्ट डाल के तो जा रहा था, तो क्या अब क्या कहे। तो ऐसे ही है भाई, क्या करे, अपने अपना कसूर नज़र नहीं आता, दूसरों का आता है, अपनी गलती नहीं नजर आती दूसरों की आती है, बस अपना गिरेबान जागना चाहिए कि हम क्या हम ठीक हैं कि नहीं है। तो इसी तरह अगर हम ठीक हो जाएंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, अगर हम नहीं ठीक रहे तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा, तो ऐसे ही रहेगा जैसा है। अक्सर मैं शाम के वक्त राइड करता था, आज मैं इसलिए पहले निकला हूँ, आज हमारा दोस्तों का प्रोग्राम है तिक्का पार्टी। तो इंशाल्लाह ताला ये जो व्लॉग होगा आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें नज़र आएगा। तो मैंने कहा कि वो शायद मैं लेट हो जो डालने में, तो इसलिए मैंने ये व्लॉग पहले रिकॉर्ड किया। तो मैं चाह रहा था कि छुट्टी ना आए व्लॉग के दरमियान, कोशिश करता हूँ कि डेली व्लॉग आते रहें, तो इसलिए मैं ये वीडियो आज रिकॉर्ड करने के लिए निकला हूँ। तो अभी हम सिटी के अंदर इंटर हो चुके हैं, तो राष्ट्रीय यहाँ से ध्यान से बाइक चलानी पड़ेगी। यहाँ पर अभी काम चल रहा है, एक साइड की जो सड़क है वो बन चुकी है, दूसरी साइड वाली सड़क अभी तक बनी हुई ना बन रही है, तो पता नहीं कब तक बनेगी। यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो गया, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हादसात हो रहे हैं छोटे छोटे से, अल्लाह ना करे कि कभी बड़ा हादसा हो, तो अभी छोटे छोटे हादसात होते रहे। मैं एक दिन आ रहा, मैं यहाँ पे बाइक अपनी ठीक करवाता हूँ, तो मेरे पीछे से आके एक लगा बाइक वाला, तो बचत होगी उसकी भी, वो भी नहीं गिरा तो मेरी भी बचत होगी कि मेरी टांग पर नहीं लगा आके, या जैसे भी है तो बहुत बहुत ज़्यादा बचत होगी उसकी थोड़ी। और ये देखिए अभी आपके सामने होने लगा था हादसा, तो यही मैं आपको बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है। मैं बता रहा था कि आपने आप ही मेरे सामने देखे ही हादसा होते होते बचा है, तो इसी तरह उस दिन मैं बचा हूँ। तो मैं बाइक ठीक करवा रहा था, तो एक लड़का आया तो वो गिरा है बड़े अच्छे तरीके से, तो वो हादसा यहाँ पे आपके सामने आप देख ही लिया, तो ये हादसा का सबब बन रहा है बहुत ज़्यादा। तो काइंडली जो भी अगर मेरे ऐसे लोग मेरी वीडियोस देख, वैसे तो मेरी वीडियो तो बच्चे देख रहे होते हैं, तो अगर कोई अच्छा बंदा देख रहा है जिसके ताल्लुकात हैं, तो वो बताए कि यार इस रोड को कुछ करे बनवाए से, यहाँ पे हादसा का बाइस बन रहे हैं ये रोड्स। तो ये बच्चे देख यहाँ पे कैसे हैरान हो, वो क्या हाल चाल है, ये 4.5 लाख दी, 4.5 लाख और कैसे है।
तो यहाँ पे बच्चे हमें मिल गए थे तो काफ़ी ज़्यादा खुश हुए हैं। एक तो वीडियो बन रही है उसकी वजह से भी खुश हुए और बाइक देख के तो वैसे ही खुश हो गए। तो यही मैं रिकॉर्ड करने यहाँ पे आया था, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिएक्शंस रिकॉर्ड हो गए बच्चों के, देख रहे हैं बच्चे। बच्चे अभी छुट्टी नहीं हुई, नहीं तो आपको इंशाल्लाह फिर ये देखेंगे रिक्शे वाले तो ये रिएक्शंस आज रिएक्शंस ही रिकॉर्ड करते हैं बच्चों के। तो मैं ऐसे पहले बाहर चला गया, मैं आपको, एक स्कूल है हमारा तो यहाँ से मैंने 10th तक पढ़ा है, तो वो दिखाता है वहाँ के बच्चों का रिएक्शन आपको दिखाता है इंशाल्लाह, फिर किसी दिन करेंगे। तो आए तो प्लान नहीं था ये, तो वैसे ही हमने निकले थे बाहर। तो कैसी लगी जी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको आज वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं बाइक राइड से आ गया, तो मैंने ब्लॉग भी एडिट कर लिया है, तो अभी इंशाल्लाह ये ब्लॉग मैं आज एडिट करके ये डालूंगा, जो फिर मैं दोबारा आज ही जो पार्टी का ब्लॉग है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट डे आएगा। तो उम्मीद है आज वाली वीडियो भी आपको ये अच्छी लगी होगी। बाइक राइड अच्छी लगती है यार, मुझे तो अच्छी लगती है, आपको पता नहीं अच्छी लगती है कि नहीं अच्छी लगती। चलो खैर, तो आज की वीडियो यहीं तक देता, तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना।